गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, दिस इज फ्रॉम डॉ फ्रॉम डे। दोस्तों आज का व्लॉग रहने वाला है अपनी स्विफ्ट के ऊपर, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ी ली है, ऑटो फोल्डिंग। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं करोलबाग अपनी गाड़ी में ऑटो फोल्ड करवाने के लिए, जो कि प्लान में था बहुत पहले से। और साथ साथ वीडियोज में कमेंट्स भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे DM भी आ रहे थे, भाई ऑटो फोल्ड तो लो भाई हो, ऑटो फोल्ड करवाने चलते हैं करोलबाग। तो चलिए करोलबाग चलते हैं ऑटो फोल्ड कराने के लिए। दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूं मैं मनीष भैया के पास करोलबाग में, नई वाला। तो भैया अब आज हमारी गाड़ी में ऑटो फोल्ड इंस्टॉल होने वाले हैं। पहले जो ऑटो फोल्ड इंस्टॉल होने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दो। हमारे स्विफ्ट के टॉप मॉडल वाले जो मिरर आते हैं, ओरिजिनल मिरर होते हैं लेकिन यूज्ड होते हैं, वही इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा भैया एक चीज पूछना चाहूंगा, यूज्ड मतलब जैसे कि मेरी गाड़ी में लग गए, ठीक है, मैंने वो उतरवा के आपको दिए, वो ओरिजिनल ही है? हाँ वो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, आपने उसी में अब मोटर इंस्टॉल नहीं, उसी में मोटर नहीं आती, जो टॉप मॉडल की पूरी मिरर होते हैं। अच्छा, जो ओरिजिनल लग के आते हैं। अच्छा, ओरिजिनल ZXI प्लस में ये वही वाला मिरर होगा, कोई मोटर अलग से नहीं लगती है। अच्छा ठीक है मुझे पहले ये डाउट था, क्या था ऐसे करके? नहीं ZXI प्लस का ही मिरर था, बस हमने कवर और लाइटिंग वगैरह जो है वो आपकी गाड़ी का यूज करेंगे। चलो ठीक है भैया, चलो पहले आपको वीडियो पूरी कम्प्लीट दिखाते हैं, उसके बाद एंड में आते हैं सारी चीजें डिटेल में बताने के लिए। पहले पूरा गत्ता खुल गया यहाँ पे भैया, हमें कनेक्शन हटा रहे हैं इसके, और विंडो के कनेक्शन हटते हुए, और उस साइड का गेट भी अपना जो है खुलना स्टार्ट हो गया। तो ऑटो फोल्ड की बहुत डिमांड थी, तो ऑटो फोल्ड आज करवा रहे हैं, और अपना सारा काम हो रहा है माई कार एक्सरीज। सुबह इसका जो बटन आएगा हमारा वो OEM होगा ना एकदम? हाँ ठीक है भाई, जो बटन इसके अंदर लगने वाला है हमारा, यहाँ पे बटन जो हमारा लगेगा ऑटो फोल्ड का पूरा OEM होगा, वही ऐसा अलग से लगेगा नहीं, आपको अलग से इंस्टॉल किया। तो यहाँ पे अपने फ्रंट के दोनों गेट निकाल दिए गए हैं इस टाइम पे प्रॉपरली, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ साथ आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, अपकमिंग ब्लॉग सून, ये अपना ये स्पीकर हो चुका है पूरी तरह से ख़राब, ये अपना कंपनी का स्पीकर है जो अभी तक बज रहा था, लेकिन अभी बजने की हालत में है नहीं, तो इसको करेंगे चेंज बहुत जल्दी, इसके ऊपर भी आपको व्लॉग मिलेगा। बट फिलहाल अभी आपको दिखाते हैं ऑटो फोल्ड इसके अंदर की, अब प्रॉपर आपको प्रॉपर जो है बटन मिलेगा, जो कंपनी यहाँ पे बटन प्रोवाइड करती है वही बटन जो हमें यहाँ भी मिलेगा अपने, इसमें प्रॉपर फिनिशिंग होगी उसकी पता भी नहीं चलेगा। और इस टाइम पे ऑटो फोल्ड इंस्टॉल करेंगे, अभी अपने जो है खाली मिरर जो है एडजस्ट होता है अंदर से, इसलिए इसके अंदर पूरी वायरिंग गई हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ मिरर चेंज, मिरर एडजस्ट होता है ऊपर नीचे आगे पीछे, अपने को करना है पूरा शीशा ऑटो फोल्ड, तो उसके लिए पूरा शीशा जो है चेंज करेंगे यहाँ पे। अच्छा भैया एक बात बताऊँ, अब जो अपना जो नेक्स्ट पार्ट इसमें होगा जो उसमें इंस्टॉल करेंगे अभी हम, तो वो शीशा ऐसे ही लगेगा, उसमें सिंपल ऐसे ही आएगा, कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे? वायरिंग बनाना पड़ेगा, वायरिंग बनानी पड़ेगी, तो उसमें कोई वारंटी वगैरह तो लूज नहीं होगी? कपलर टू कपलर, मतलब प्रॉपर कपलर टू कपलर जाएगा वो भी? ठीक है भैया, यहाँ पे अपना काम स्टार्ट हो गया है, जो कि कपलर टू कपलर जाएगा, मैं आपको वीडियो में प्रॉपर दिखाता रहूँगा आगे। साइड मिरर की कंडीशन देख लो उस टाइम पे, इतनी बुरी नहीं है बट ओवरऑल ठीक है, कंडीशन ठीक है इसकी भी, लेकिन कई बार जो ये चीज़ लग भी जाती है बिकॉज ऑफ कि हम इसको जजमेंट नहीं कर पाते, जल्दी से अंदर नहीं कर पाते। अब अगर बटन होंगे तो मैं इसको अंदर से इजीली जो है बंद कर पाऊँगा। तो यहाँ पे अपने साइड मिरर का जो है इस टाइम पे कवर निकल गया है, भैया ने इंडिकेटर वाली लाइट निकाली है। सो भैया अभी आप क्या करने वाले हैं इसमें नेक्स्ट? इसमें से मोटर लगनी है, इसमें मोटर लग डलनी है एक, ठीक है, तो बेसिकली भैया इसके अंदर भी एक मोटर डलनी है, जिसके बाद की ये ऑटो फोल्ड का काम करना स्टार्ट करेगा। अपने जो साइड मिरर यहाँ पे हमने निकाल लिया है, जिसको भी अब हम रिप्लेस करने वाले हैं विद मोटर वाली साइड मिरर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मोटर आएगी हमारे को मिलेगी। अभी जो इसके अंदर इंस्टॉल था भाइयों, उसके अंदर मोटर नहीं थी, ओनली यहाँ पे जो है सिर्फ एग्जस्ट करने के लिए सिर्फ बटन थे, जो मिरर इधर उधर होने के लिए थे उसके अंदर मोटर नहीं थी, जिससे कि टर्न शीशा पूरा प्रॉपर हो। इसके लिए मैं उसको साइड में कुछ प्रॉपरली चेंज करवा रहा हूँ। ऑटो फोल्ड का बेसिकली सीन क्या होता है प्रॉपर मैं आपको समझाता हूँ अभी की वीडियो में। अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि शीशा चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्टिल अगर कन्फ्यूजन है तो वीडियो में बने रही है। अभी अपने साइड मिरर पे यहाँ पे काम चल रहा है, अभी एक बार खत्म होने दो, फिर मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ पूरा और समझाता हूँ एक्चुअल में जो साइड में जो हम चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंज करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है मैं आपको दोस्तों, ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं साइड मिरर का, ये वाला पार्ट जो है यूज रहने वाला है इसमें, जो कि ZXI मॉडल का है टॉप मॉडल का, और जो ये आप देख पा रहे हैं ये अपना पुराना वाला है, इसके अंदर हमने इंडिकेटर और मिरर अपना यूज किया है, देख पा रहे हैं अपनी इसके अंदर से जो भी है ना ये फिटिंग निकाली है यहाँ से रबर, अब ये इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं।
सो भैया यहाँ पे हमारे रिले इंस्टॉल कर रहे हैं, देखा ना भैया एक बार रिले आरडी की है ना भैया, ये भैया आरडी की रहने वाली है प्रॉपर, देख लो ये हमारे ऑटो फोल्ड को हेल्प करेगा फोल्ड होने में। इसकी इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ आपको मैं, वहाँ पे अपना दूसरा मिरर आप अभी इंस्टॉल कर रहे हैं भैया। हमने कौन से कपलर पे लगाया आपने? ये कंपनी का ओरिजिनल जैक में लगाते हैं। ये किसी का कपलर है भैया हमारा? ये मिरर फोल्डिंग का जैकेट, ठीक है ठीक। अच्छा मतलब ये पहले वाला है जो जो जिसमें खाली हमारा एग्जॉस्ट होता था, उसमें आपने एग्जॉस्ट लगाया, अब ये हमारा निकल रहा है मिरर फोल्डिंग का, ठीक है। देख ले भैया आपने तो कोई वहाँ से भी यहाँ पे भी हमारा भी कपड़ा ही लगेगा ना मेरे ख्याल से, जो पॉइंट दे रखा है ये। हाँ यहाँ भी जैक लगेगा, यहाँ भी एक जैक लगेगा और एक जैक भैया ने यहाँ लगा दिया है, तो हमारा गेट पूरा सेफ है, कोई वायरिंग वगैरह कट नहीं हुई है कहीं पे भी। अपने यहाँ पे पहले जो हमने टेम्प्रेरी बेसिस पे जो कनेक्शन करके पहले मिरर चेक कर रहे हैं अपना कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। टू स्टैंड पे सारा कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। सो यहाँ पे अपना आ गया बटन, इस टाइम पे दिखाना एक बार, ये बटन आ गया जो कि हमारे ऑटो फोल्ड को काम करेगा ऑन ऑफ करने के लिए। ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये ऑटो फोल्ड को ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए। बेसिकली पहले अपनी गाड़ी में ऑटो फोल्ड का फंक्शन नहीं था, तो आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से था। पहले अपना ये रहने वाला था भाइयों, पहले ये था जो कि नॉर्मल आता है हमारी गाड़ियों में, लेकिन यहाँ बटन नहीं था किसी तरीके के लिए ऑटो फोल्ड के लिए, लेकिन अब जो इंस्टॉल किया है उसके अंदर हमको यहाँ बटन मिल रहा है जिससे हम ऑटो फोल्ड कर सकते हैं। इस वाले काम के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है वो रहने वाली है टाइम, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि वायरिंग प्रॉपर नहीं होती है इसके अंदर, प्रॉपर वायरिंग हो रही है इसके अंदर अभी साइड में अपना ऑटो फोल्ड होने में। सो भैया कितने भैया इसमें टाइम कितना लगा था बेसिकली? आधा घंटा चाहिए वायरिंग वायरिंग के लिए, खाली वायरिंग वायरिंग के लिए, बाकी बाकी जो अपने ऑटो फोल्डर काम है वो अलग है जो मेरे फोन में इसमें लगा। तो भैया अभी यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि दोनों मिरर की फंक्शनिंग सेम हो, कि मतलब बटन प्रेस करने पे दोनों बंद हो, ऐसा ना हो कि एक बंद हो रहा है खुल रहा हो, इसलिए भैया उसको प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग जो रहने वाला है वो हमारी वायरिंग रहने वाली है, जो ऑटो फोल्ड मेजर हो रहे हैं वो इजीली हो जाते हैं, बट लेकिन जो उसकी वायरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा जो है टाइम लेती है इस काम के लिए। बाकी अदरवाइज जो आप शीशे पे काम करवाओगे वो बहुत जल्दी हो जाता है, सारे काम जल्दी होते हैं, बट सिर्फ एक वायरिंग है जो सरदर्दी करती है वो उस टाइम में वहाँ चल रही है, उस सही वो देखो वहाँ चल रही है। दोनों भैया लोग लगे हुए हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वायरिंग बहुत सारी होती है तो उसके लिए चेक कर रहे हैं। ओवरऑल लेट्स सी कब तक होता काम यहाँ पे। सो यहाँ पे अपने वायरिंग हुई पूरी तरह कंप्लीट, भैया एक बार दिखाना एक बार इसको लॉक करके, एक बार ये लॉक हो रहा है भाई, एक बार दूर से दिखाता हूँ भैया करना है इसको अनलॉक करना है एक बार, ठीक है भैया एक बार उस साइड वाला भी दिखा देता है, करना दोबारा एक बार, ये लॉक हो रहा है भाइयों, होल्ड हो गया शीशे, अभी अनलॉक करना है एक बार, ये अनलॉक। सो भाई अपना यहाँ पे काम ऑलमोस्ट हुआ कंप्लीट, अब बस अभी हमारा काम क्या रह गया, अब खाली पैक करने का काम रह गया, पैकिंग का काम रह गया ना खाली, ठीक चलो भैया। भाई पूरी तरह रेडी, जैसे आप देख पा रहे हैं कीज रहने वाली है, अब अपनी गाड़ी को अनलॉक करता हूँ। सो बेसिकली ये फंक्शन अपनी गाड़ी में पहले नहीं आने वाला था, ये अपनी गाड़ी में ये फंक्शन बेसिकली नहीं था पहले, अभी आज हमने यही काम किया है, ये लॉक करते हैं गाड़ी को। सबसे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर रहने वाला है अपनी गाड़ी के लिए, क्योंकि यूजुअली ये होता है कई बार हम ड्राइव करते हुए कहीं से जा रहे होते हैं, सपोज अगर आप अकेले अपनी ड्राइव कर रहे हो, उस साइड बैठ के आप अकेले ड्राइव कर रहे हो अपनी गाड़ी, इस साइड का शीशा कहीं अड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एटलीस्ट आपको एक बटन मिलेगा अंदर जिससे कि आप अपनी स्विच को जो गाड़ी के शीशे को जो फोल्ड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ उस साइड से भी, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रॉपरली इसका वर्क, इसके अंदर हमने जो है प्रॉपर पूरा बटन चेंज किया है जो OEM की तरह है ऑलमोस्ट, देख लो भाइयों जो OEM बटन रहने वाला है, ये अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो ये शीशे बंद हो जाएंगे, ओपन करूँगा तो शीशे जो खुल जाएंगे इस टाइम पे। लेट्स सी ये पूरा हो गया ऑफ, ये हो गया पूरा ऑन,
भाई ये अपना पुराना बटन रहने वाला है जो कि यहाँ लगा हुआ था, देख लो। इसके अंदर हमारे पास जो ये वाला स्विच अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये फीचर गाड़ी के अंदर था ही नहीं पहले। फील करवाता हूँ इस चीज़ का अच्छे से। ये अपना गेट हुआ बंद, तो भाई देखो इस टाइम पे शीशे हो रखे हैं ओपन साइड के दोनों। अब इसको करते हैं बंद, जैसे कि आप अब इसको करते हैं यूज़ बंद करके। यस, तो ये हो गया पूरी तरह से फोल्ड, उस तरफ का भी फोल्ड हो गया, ये खुल गया। काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, यूज़फुल रहने वाला फीचर ये, देख लो ये फोल्ड हो गया। इंस्टॉल करने के बाद काफ़ी रिलीफ रहता है ड्राइव करने में बेसिकली, क्योंकि ड्राइव करने के लिए रिलीफ इस तरह से रहता है कि अगर आप कभी कभार कंजस्टेड जगह से अपनी गाड़ी निकाल रहे होते हो और आप अकेले बंदे ड्राइव कर रहे हो तो उस कंडीशन में होता है कि आप इस साइड का अपना शीशा बंद नहीं कर पाते हो, तो अब आपके पास फैसिलिटी मिल जाती है अंदर से जो है स्विच लग जाता है जिससे कि बटन से आपका साइड मिरर ऑटोमेटिक बंद होता है जिससे कि आप अपनी गाड़ी को कंजस्टेड एरिया से आराम से जो है निकाल पाते हैं। सर सर भैया यही था अपना वीडियो, और अगर बात करें इसकी कॉस्टिंग की तो जाएगा तो आपको उसकी कॉस्टिंग बताता हूँ कॉस्टिंग कितनी आएगी। यहाँ पे अपनी वीडियो हुई पूरी तरह कंप्लीट, आपने गाड़ी देख ली है, सिनेमैटिक सारे देख लिए, आई होप आप लोगों को पसंद आया। तो भैया पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जो हमारा ये काम होता है इसमें टाइम कितना लगता है बेसिकली? दो ढाई घंटे आराम से लगता है, ठीक है? पूरा काम किया है तो बेसिकली हमको इसकी वारंटी कितनी मिल जाती है? 1 ईयर वारंटी रहेगी भैया मिरर्स पे, इसकी रिले जो लगाई हमने वाटरफॉल वाली उस पर भी 1 साल की वारंटी रहेगी। अच्छा भैया एक चीज और पूछना चाहूंगा शॉर्ट में, हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर इंस्टॉल की है? एक दोनों तो साइड मिरर्स हो गए भैया, और इसके बाद में हमने एक ऑटो फोल्डिंग वाला रिले जो अपने गाड़ी लॉक करने में दोनों मिरर्स बंद होंगे, और एक स्विच लगाया प्लस लेवर चार्ज। ठीक है तो जो हमने इसके अंदर रिले लगाई है वो हमारी आरडी की रहने वाली है। अब हम आते हैं अपनी गाड़ी की कॉस्टिंग के ऊपर, इसकी साइड पे हमने हमारा कितना कॉस्ट आया, क्योंकि यूजुअली जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो अपने व्यूअर्स को अपनी गाड़ी के काम के अमाउंट हमेशा शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ आप अमाउंट थोड़ा ये इसमें टोटल खर्चा जो अपना रिले पावर विंडो वाली सॉरी मिरर फोल्डिंग वाली रिले प्लस स्विच सारा फिटमेंट मिला के भैया 8-8.5 हज़ार की रेंज में खर्चा है। 8-8 हज़ार अभी काम पूरा जेन्युइन काम, पूरा जेन्युइन काम होगा दोस्तों। वारंटी भी देंगे, वारंटी भी है और कोई वायरिंग वगैरह कट नहीं है, आपने मेरी वीडियो में देख लिया है पूरा कपड़े टू कपड़े काम हुआ है इसके अंदर, कोई छेड़छाड़ नहीं है। अगर स्टिल भैया बोल रहे 1 साल की वारंटी भी, अगर स्टिल कोई इश्यूज आते हैं तो भैया 1 साल तक करके देंगे। तो भैया दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, शॉप का भी एक बार एड्रेस बताओ। माही कार एसेसरीज भैया, नाई वाला 66 नंबर गली, माही कार एसेसरीज मेरे शॉप का नाम। ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं आपको बहुत जल्दी ये जगह अगली वीडियो में, चलिए टिल देन बाय।